नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। बात करेंगे अपन रीट लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ। आपको भी पता है कि रीट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और आपने जितनी मेहनत की है आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल मिल गया होगा। आपके जो रोल नंबर है वो मैच हो चुके होंगे। तो अपन आज बात करेंगे क्योंकि एक दैनिक भास्कर में आज न्यूज़ आई थी और आपके भी लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा डाउट था भाई, आपने जितनी मेहनत की है उसके अनुसार आपका जो परिणाम है देखने को मिल चुका है। जिनके रोल नंबर मैच नहीं हुए वो किसी प्रकार से किसी और को दोष आरोपण न करें, अपनी मेहनत में सुधार करें, अपने आप पे काम करें ताकि अगली भर्तियों की तैयारी किए, ठीक है। तो जिनका रीट में नंबर नहीं आया उनका भी अपन बताएंगे कि आगे क्या करना है, किस भर्ती की तैयारी करनी है और फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, सारी कैटेगरी की बात करेंगे अपन। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और टीएसपी की, ठीक है साथियों। ये वो खबर है जो दैनिक भास्कर की आज के अखबार में आई है, 29 तारीख, ठीक है, 5 महीना 2023। आपने भी पढ़ी होगी ये, ठीक है साथियों, कि 1 जून को दस्तावेज सत्यापन और 3 से 9 अंक तक फाइनल कट ऑफ है जो बढ़ सकती है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें आपने और भी देखी होगी जो लिखी हुई है कि जो लेवल 2 का रिजल्ट है, अभ्यर्थी बहुत ही बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी कामयाबी का, कि वो भी सिलेक्शन का जो बधाई पत्र है वो लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि 15 जून तक, ठीक है, जो 15 जून है उस तारीख तक जो लेवल 2 का है उसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इसमें और दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 42,000 विद्यार्थी 21,000 पदों के लिए, यानी लगभग लगभग दुगुनी संख्या में जो रीट में है लेवल फर्स्ट में 2 गुणे विद्यार्थियों को पास किया है केवल प्रोविजनल सूची में, ठीक है। तो अभी अभी आप जो है दूसरे लोगों से जो कॉन्ग्रेचुएशन है, जो बधाई पत्र है ले सकते हैं, लेकिन अंत में 1 गुणा विद्यार्थियों का ही सिलेक्शन होना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं जिसका कई लोगों को फ़ायदा मिला है, कई लोगों को नुकसान हुआ है, तो ये तो नेचुरल चीज़ है। यदि मेरी बात करूँ तो मेरे ज़्यादातर एग्जाम में मुझे जो नॉर्मलाइजेशन का है नुकसान ही उठाना पड़ा है, ठीक है। बात करते हैं कट ऑफ की, तो ये कट ऑफ है जो बोर्ड ने जारी की थी, इसमें जनरल की है 186.9188 और फीमेल की है 186। लगभग रीट में आपको पता है कि लड़के और लड़कियां, बेटियां सबसे ज़्यादा आगे रहती है, तो बराबर ही रहती है कट ऑफ। तो इसमें अब फाइनल बढ़ कितनी सकती है कट ऑफ उस पर बात करते हैं साथियों। मेरे अनुमान से और पिछले जितने भी भर्ती हुई है, क्योंकि इसमें पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज था, पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी, अब की बार माइनस मार्किंग है। पिछली बार पेपर बिल्कुल सरल आ गया था, लेकिन अब की बार जो मीडियम लेवल का, ये नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड आया था, लेकिन मीडियम लेवल का पेपर आया था, ठीक है। और एक कट ऑफ थी तो उसके कारण भी बहुत बड़ी हानि, लेकिन हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। यानी जनरल की बात करें तो कम से कम 6 नंबर तक कट ऑफ बढ़ेगी भाई, जो वर्तमान की कट ऑफ रही है, जो आपको पता ही है कितनी है अभी, 186 जनरल की है। एससी की जनरल इसमें 157 है और एसटी की बात करें तो 143, ये लगभग कट ऑफ है, आपके पास भी होगी। तो इनमें 6 नंबर ऐड कर लीजिए, जिन विद्यार्थियों के 6 नंबर तक ही बढ़त है आराम से नंबर आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिन अभ्यर्थियों का इसमें 2 गुणा में भी सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है, आपको और पढ़ाई में जो अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। और इसके लिए अब आगे क्या करें, तो आगे और भी भर्ती आएगी, जैसे महिला जो लड़कियां हैं उनके लिए शानदार पोस्ट आ रही है एएसआई की, ठीक है। जो लड़के हैं उनके लिए भी एएसआई की एक पोस्ट आ रही है जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों फार्म भर सकती है। एएसआई में तो केवल सरकार ने महिलाओं को अलाउ किया है, तो इन अच्छी पोस्टों पे भर्ती आ रही है, अगली भर्ती भी बहुत जल्द आएगी, तैयारी की करते रहिए। हम भी कोशिश करेंगे इस चैनल पे आपसे रिलेटेड जितना मैटर है, रीट का भी, जो आने वाली भर्तियां हैं एसआई की, इनके लिए ऑनलाइन क्लासेज का जो शेड्यूल है बहुत जल्द जारी करेंगे। तो आप चैनल पे लगातार बने रहिए। जय हिंद जय भारत।